नमस्कार मैं मिथुन यादव आप सभी का आज के सेशन में गई कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं आज की इस खूबसूरत सेशन में हम लोग बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस टॉपिक को यहां पे आप देख पा रहे हैं ये टॉपिक क्या है क्यूब रूट मतलब घनमूल एक ऐसी टॉपिक जिनका कैलकुलेशन में बहुत रोल रहता है बहुत रोल ये तो यही वो टॉपिक है जो आपकी स्पीड को घटाती भी है स्पीड को बढ़ाती भी है समझिए

वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहेगा थोड़ा सा है ना, होने एक और बात था बच्चों का, एक था, सर, आपकी का और भी हम वीडियो कहां से प्राप्त कर पाएंगे लेक्चर हमें मिल तो जो भी बच्चे गए गाँव में रह रहे हैं या जो शहर में या हम लोग बिलासपुर में खास करके जो बच्चे नहीं है तो उसके लिए भाई मैं आपको बता दू जो बच्चा बिलासपुर में उसके लिए बताता हूँ कि समझना अगर आपको लगता है कि मैथ्स से अगर आपको डेली बेसिस पढ़ना तो मैं यूट्यूब पर डेली पढ़ाता हूँ लाइव आकर समझना इस बात को डेली हूँ कब आता बस टाइम जान लो आप लोग ठीक है मॉर्निंग आठ बजे मैं मॉर्निंग आठ बजे डेली पढ़ाता हूं कि कौन सी चैनल है तो कोको -को

टाइमर लगाने से गाइज हुआ क्या है कि आपकी स्पीड जो है सो बढ़ेगी और ये टाइमर अभी आपको हम सिर्फ तीस सेकेंड में किसी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसका अप्रोच हम लोग यहाँ पे बताने का काम करते हैं ठीक है तो आप कोको ससी पर रोज मॉर्निंग आठ बजे मेरे साथ जुड़ जाइएगा आपकी मैथमेटिक्स का टेंसर आप मुझे दे दो और आप बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान में रखो ठीक है मैं वो मैं आपका आसान करके दूंगा चाहे किसी भी वनडे एग्जाम में बैठते हो

बस एक छोटी सी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट के बाद इस टॉपिक के लिए है ना कुछ बचा नहीं खास हम बोले जैसे हम यहाँ पे बात करते थे क्यूब रूट में हम लोग जैसे बात करते थे स्क्वायर रूट में ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्यूब रूट पे बात करेंगे जैसे का डिजिट है तो एक से लेकर के नाइन तक का डिजिट को यहां पे लिखेंगे देखेंगे तो यहां बोले थ्री का क्यूब किया जाए ठीक है तो क्या हो जाएगा सेवन आएगा देखते रहिएगा ना फोर का क्यूब अगर हम करते हैं तो क्या होगा फोर ही आएगा बहुत बढ़िया फाइव का अगर हम क्यूब करते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पे लास्ट में फाइव अगर हम सिक्स का क्यूब करते हैं तो कितना लास्ट में बोलो सिक्स आएगा नहीं दो सोलह का ठीक है सर सेवन का अगर हम

उनका यूनिट प्लेस वो नंबर खुद के बराबर ही दिख रहा है कितने से नंबर है देखो वन का क्यूब के लास्ट में वन आ गया ठीक है यहां समझिएगा फोर का क्यूब के लास्ट में फोर ही आ गया फाइव का क्यूब के लास्ट में फाइव आ गया सिक्स का क्यूब के लास्ट में सिक्स आ रहा है देखिए सर ये नाइन का क्यूब किया तो लास्ट में नाइन आ गया ये चार नंबर को छोड़ करके बाकी नंबर का क्यूब करने के बाद उसके इकाई स्थान पर वो नंबर खुद ही आ जाता है तो कौन ऐसे नंबर है जो सर अलग अलग हो रहा है, टू है. तो पे जो बदल रही है, ध्यान से ये टू है उल्टा चल रहा है कभी भी अगर लास्ट में आप किसी भी क्यूब रूट निकाल रहे मतलब दो आएगा दो है तो आठ आएगा याद करने ट्रिक क्या हो सकता है एक बार दोनों को जोड़ लीजिए दो और आठ क्या होगा हमेशा मन में दस रखना दोनों का सम कितना होगा दस एक और सर ये थ्री का क्यूब करेंगे तो लास्ट में सेवन आएगा हम बोले अच्छा का कितना आ जाएगा? सेवन देखते रहिएगा अगर सर सेवन का क्यूब करेंगे तभी थ्री आएगा हम बोले अच्छा ये भी क्या हो जाएगा उल्टा होगा तो बस आपको यही दो चीजें ख्याल रखना चार डिजिट जो है आपस में जो चेंज हो गया बाकी सब तो ही हो जा रहा है देख लो आप तो याद किस रखोगे देखो टू और एट का सम कितना होता है टेन थ्री और सेवन का कितना होगा टेन बात नहीं, तो ये और शिरा सवालों चलते हैं। से आसान है इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, पाला, सवाल पे देखता है करते हैं। आपको यहां पे क्या दिख रहा है सर सेवन तो सेवन किससे बदल जा रहा था थ्री में और इसके बाद लास्ट से हमेशा थ्री डिजिट कैंसिल दोगे क्यूब रूट में हमेशा थ्री डिजिट कैंसिल कर दोगे अब समझो बच कितना गया सर टू अब मेरा सवाल है सर बचा हुआ नंबर जो टू है वो किन किन दो नंबर के क्यूब के बीचों बीच लाई करेगा तो आप बोलोगे सर देखो यहां ये यह वन का क्यूब सर वन ही होता है और

क्यूब के बीचों बीच लाई करेगा तो छोटा कौन है वन तो सर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे वन लिख देंगे और ये आपका आंसर आ चुका है ठीक है आइए अगला देख लीजिए फटाफट से ये सर सेवन है बोले लास्ट में सेवन है तो इसका मतलब थ्रीम बदल जाएगा और लास्ट से आप देखिए ध्यान से तीन डिजिट को कैंसिल कर दिए उसका तो बचा क्या देखिए बहादुर सर बच गया बारह हम बोले बारह किन किन दो नंबर के क्यूब के बीच लाई करेगा बता दोगे आप बोलोगे सर टू का क्यूब होता है आठ और थ्री का क्यूब कितना होता है ट्वेंटी सेवन इसी के बीचों बीच लाई करेगा हम बोले छोटा कौन है टू या एट टू तो टू को यहाँ पे चिपका देना है और आपको आगे बढ़ करके आंसर मार देना ठीक है चलिए उम्मीद करते हैं तीनों एक्जाम्पल क्लियर रहा होगा ये कुछ और एक्जाम्पल लेते हैं जिससे आपकी आत्मविश्वास को थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है आपको लगना चाहिए कि हाँ सर हमको पेन चलाने की नौबत कभी नहीं आएगा तो इतना बड़ा वाला ले लिए ताकि आपकी आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ सके ये थ्री आ गई तो कितना हो जाएगा सेवन देखिए यहाँ पे लास्ट का तीन डिजिट कैंसिल कर देंगे देखिए पचास पचास किन किन दो नंबर के बोले हो क्यूब के बीच लाई करेगा सर तीन और चार के क्यूब के बीच छोटा कौन है तीन तो यहाँ पे क्या कर दो तीन लिख दो आंसर आ गया देख लीजिए इतना में क्या कर सकते हो ये हम दस सेकंड बहुत नहीं हम बोले दो से तीन सेकंड लगेगा सिर्फ ये है, ये है है सर हो जाएगा लास्ट का क्या कैंसिल दिख रहा है, और दो पचास किन किन दो नंबर के क्यूब के बीच करेगा सर और के के क्यूब के बीच छोटा कौन है पांच तो पांच को यहां पे लिख करके गया जब मार सकते है, दन। ये क्या? सेवन थ्री थ्री है मुझे बताओ नौ सौ बारह किन किन दो नंबर के क्यूब के बीच लाई करेगा आप सीधा सीधा बोल दोगे सर ये जो है न, नौ और दस के क्यूब के बीच लाई करेगा छोटा नौ पे लिख दो आंसर क्या हो जाएगा आपका नाइनटी सेवन तो ये आपका साथ शॉर्ट ट्रिक है उम्मीद किसी भी नंबर का आपको क्यूब रूट पूछा जाए तो दो से तीन सेकंड में आप इजिली क्या कर सकते हो निकाल सकते हो मैं उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा और काफी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले कोई भी वनडे एग्जाम में ठीक है तो मैक्सिमम गाइए दोस्तों तो अपने शेयर जरूर कर देना जो जो बच्चे आज के टाइम में वनडे एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके भाई बहन है जो भी ये लगता है कि उसको टेंथ के बाद जॉब चाहिए या ट्वेल्थ के बाद जॉब चाहिए तो इसके लिए हम लोग अलग से चैनल बना दिए कोको एस एस ताकि वो मुझे उसको पता है कि रेलवे में तैयारी करना कितना तुम पैसे दे पाओगे गाँव में तो भाई आप गाँव से तैयारी कैसे कर पाओगे उस चीज़ को ध्यान में रहते हो गाइज मैं हम लोग क्या किए कोको एस नाम का एक चैनल बना दिए जिसमें आप मेरे साथ रोज मॉर्निंग जुड़िएगा आठ बजे लाइव ठीक है मैथ्स पढ़ाने के लिए चलिए गाई तो फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में तो ये वीडियो को देखिए और आप इंजॉय करिए और नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा ठीक है तब तक मिलता अगले वीडियो में गाइस तब तक के लिए जय हिंद जय भारत